अमेरिका में जो बाइडेन की सरकार आने के बाद सऊदी अरब और अमेरिका के संबंधों में बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। अमेरिका ने फैसला किया है कि वो सऊदी पत्रकार जमाल खगोशी की हत्या की जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करेगा। ऐसा कहा जा रहा है कि इस रिपोर्ट में खगोशी की निर्मम हत्या के लिए सऊदी अरब के शक्तिशाली युवराज मोहम्मद बिन सलमान को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस रिपोर्ट को पढ़ लिया है और वो इस मामले में सऊदी अरब के बादशाह शाह सलमान से बातचीत भी कर रहे हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि इस रिपोर्ट में कहा जा सकता है कि सऊदी क्राउन प्रिंस ने खगोशी की हत्या की मंजूरी या संभवतः उनकी हत्या के आदेश दिए थे। पत्रकार खगोशी की हत्या से जुड़ी रिपोर्ट को तैयार करने में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने अहम भूमिका निभाई है। दरअसल पत्रकार खगोशी की हत्या 2 अक्टूबर 2018 को टर्की में सऊदी वाणिज्य दूतावास के अंदर कर दी गई थी। उनके मृत शरीर को भी क्षत विक्षत किया गया था, लेकिन सऊदी क्राउन प्रिंस इस मामले में किसी भी तरह से शामिल होने के आरोप को सिरे से खारिज करते रहे हैं। खगोशी को सऊदी शासकों का आलोचक माना जाता रहा है और उनकी हत्या उस समय कर दी गई थी जब वो अक्टूबर 2018 में इस्तांबुल के सऊदी वाणिज्य दूतावास में अपने कागजात लेने गए थे, जिनके आधार पर वो अपनी तुर्क मंगेतर से शादी कर सकते थे। सऊदी अधिकारियों का कहना है कि उनकी हत्या सऊदी अरब के खुफिया अधिकारियों की एक टीम ने कर दी थी, जिन्हें सिर्फ इस बात की जिम्मेदारी दी गई थी कि वो पत्रकार जमाल खगोशी को वापस सऊदी अरब लाएं। इस मामले में सऊदी की एक अदालत ने 5 लोगों को मौत की सजा भी सुनाई थी, लेकिन पिछले साल सितंबर में मौत की सजा को 20 साल कैद में तब्दील कर दिया गया।